बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नूबी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों आपको बताते चले कि नेक्स्ट एपिसोड जो गिरफ्त की आ रही है नहायत ही दिलचस्प, और इसमें मुराद जो है वो परेशान है और रोशी को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोशी अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए इस मर्द को ऐसे बेवकूफ़ बनाएगी, छुरी लेके अपने आप को मारने की वो कोशिश करेगी। और यही हर उस औरत का एक तजर्बा होता है जिससे वो फ़ायदा उठाते हुए बेवकूफ़ बनाते हैं कच्चे जहन के लोग, जैसे कि कोई भी बंदा उसके वर्गलाने में आ जाता है। इसी तरीके से उसने भी ये वार करने की कोशिश की और मुराद भी उससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये अब्दुल्ला कुदवानी साहब ने ये जो शॉट इस ड्रामे में दिया है, तो हम उनको जनाब दोनों हाथों से सलूट पेश करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये वाला ड्रामा और इसका ये वाला शॉट देख के काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और वो औरतों की घिनौनी साजिश में हो सकता है वो बच जाएं। और यही एक हमने बताना था कि हमारी तरह कई लोग इसके झांसे में आ चुके हैं, जैसा कि इसने तो छुरी से अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, चाय की प्याली में एक टैबलेट डाल दी नींद वाली, जो कि मुराद बेहोश बेसुध होके गिर पड़ा। इसने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और नुमानी सी बन के अपने बाल शाल खुले छोड़ छाड़ के तो वो उसके पास बैठ गई और उसने कहा कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ये सारा एक ड्रामा था। अब मुराद भी यही कोशिश कर रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं, तो मुझे कुछ बताओ। तो उसने कहा कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, यही सारा कुछ हमारे साथ भी हुआ कि इसने छुरी से वार किया, लेकिन जो खटकनी थी उसने जनाब चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के अपने बाजू को काटना शुरू कर दिया। और हम यही समझे कि ये वाकई ही दिल बर्दाश्ता होके कर रही है, ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रही है, अपनी बनियान उतारी और उसको फाड़ फाड़ के उसके ऊपर पट्टियाँ करते रहे। वो इख्तलाक याफ्ता थी, एक बच्चे की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके पास तजर्बा था और उसने मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया कि इस और उस जहान दोनों में मुजरम पेरेंट्स जो कि बचपन से पढ़ाते लिखाते और इंजीनियर की डिग्री तक लेके आते, उनके ऊपर मैंने इत्माद नहीं किया और आज वो 10,000 मेरे से सिर्फ अपने बाल रंगने के मांगती है और मैं घोड़े कोल्लू के बैल की तरह चलता रहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा ये ड्रामा देखने के बाद काफ़ी लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि इस तरह की घिनौनी साजिश में वो हरगिज़ ना आएँ।